अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और भाई लोग क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सब? उम्मीद करते हैं भाई सब खैरियत से होंगे। यहाँ तो सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, भाई आज आपको बताएंगे कि स्पीड के बारे में बताएंगे आज हम आपको कि सऊदी में लिमिट स्पीड कितनी होती है और कितनी स्पीड पे गाड़ी कब चलानी चाहिए कब नहीं चलाना चाहिए और बोर्ड का क्या मायना होता है, क्या मीनिंग होता है। ठीक है, ये सब हम आज आपको बताएंगे भाई। जैसे कहीं भी बोर्ड लगा हो 100 का, जैसे ये सामने देखो बोर्ड आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ में मिनिमम जो स्पीड है वो 100 की है। मिनिमम स्पीड जो है 100 की है। ठीक है, 100 के ऊपर आपको नहीं जाना है, 100 के ऊपर आपको नहीं जाना है भाई। और स्पीड के नीचे देखो कैमरे का निशान भी बना हुआ है। ये जो कैमरे का निशान बना है ना भाई, मतलब आगे कहीं पे कैमरा रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी स्पीड होगी आपको वो हिसाब से गाड़ी ड्राइव करनी है, उसके अंडर ड्राइव करनी है। ठीक है, जैसे इधर देखो एक और शाइन बोर्ड आ रहा है, इसकी जो स्पीड है इसकी 60 की स्पीड है, समझ रहे हो, इसकी 60 की, तो आपको अंडर 60 के आसपास चलना है, मतलब 50 के आसपास चलना है। 60 के ऊपर जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे जहाँ भी कोई भी शाइन बोर्ड, जो भी स्पीड के बोर्ड लगे हों, समझो 120 का बोर्ड लगा हुआ है, तो आपको 120 के ऊपर नहीं जाना है, 120 के अंदर ही लेना है, बल्कि 110 के आसपास ही चलाना है गाड़ी को। और 80 है तो 80 के अंदर रहना है, ऊपर नहीं जाना। ऊपर जा, 80 के ऊपर थोड़ा भी कांटा गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, कैमरा रखा होगा तो फिर आपको फाइन हो सकता है। तो सऊदी अरब में ये चीज़ बहुत खास करके ध्यान देनी पड़ती है कि स्पीड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हर जगह स्पीड और कैमरे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कैमरे लग गए अब तो। और कभी भी जब भी आप आओ तो भाई सिग्नल नहीं तोड़ना है आपको, याद रखना, कभी गलती से भी सिग्नल मत तोड़ना, कि सिग्नल का जो फाइन है बहुत ज़्यादा है, इंडियन रुपीस के हिसाब से कुछ 50,000 रुपया फाइन है भाई, इंडियन रुपीस के हिसाब से 50,000 रुपया फाइन है अगर आपने कैमरा इशारा तोड़ दिया तो, समझ रहे हो। अगर समझो इधर ये चार रास्ता है, अगर इधर कोई कैमरा है और मैं देखा कि रेड लाइट है फिर भी आगे चला गया, अगर वो कैमरे ने फिर फोक्स मार दिया ना भाई, तो डायरेक्ट इंडियन रुपीस के हिसाब से 50,000 रुपया, मतलब 3,000 रियाल सऊदी रियाल फाइन बहुत ज़्यादा है भाई। तो गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाना मेरे भाई, कोई भी गलती नहीं करने की, बहुत आराम से सुकून से, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक रूल के फाइन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल पे बात कर रहे हो तो कैमरा लग जाएगा तो डायरेक्ट तुम्हारा 2-3 हज़ार रुपये का इंडिया के हिसाब से फ़ाइन आ जाएगा। कहीं नो पार्किंग में खड़ी है वहाँ फ़ाइन आ जाएगा। तो सब भाई ऐसे ऐसे सब बहुत हिसाब से गाड़ी चलाना, जो भी नए ड्राइवर हमारे आ रहे हैं गाड़ी बहुत हिसाब से चलाना, बहुत शांति से, क्योंकि यहाँ पे रूल बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, सऊदी के जो रूल हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, फ़ाइन बहुत ज़्यादा हैं, समझ रहे हो भाई। तो वीडियो को हमारी शेयर करो, लाइक करो, और जो न्यू देखने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, और लाइक करो वीडियो को।